हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं डिप्रेशन और कोरोना के संबंध के बारे में बात करूँगी। और जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे समाज में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। ये एक ग्लोबल कंसर्न की चीज़ है, इसके ऊपर लगातार बहुत से काम किए जा रहे हैं। लेकिन जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से डिप्रेशन के पेशेंट की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये डिप्रेशन के पेशेंट दो तरह के फिलहाल देखे जा रहे हैं, एक जो पुराने पेशेंट थे और दूसरे कुछ नए पेशेंट तैयार हो रहे हैं। पुराने पेशेंट की तो समस्या खैर पहले से ही थी, कुछ की दवाइयाँ कम हुई थी, कुछ की काउंसलिंग बंद हो चुकी थी, लेकिन ये फिर से बढ़ रही है और उनकी काउंसलिंग स्टार्ट है, उनकी दवाइयों के डोज बढ़ाए गए हैं, क्योंकि उनके जो भी चिंताएँ थी, जो जिस पे उन्होंने थोड़ी सी कमांड हासिल कर ली थी, वो फिर से ट्रिगर हो रही हैं इस समय में, जो कि रियल में बहुत डिफिकल्ट टाइम है। लेकिन जो नए पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि ये नए पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास रियल रीज़न है। किसी के घर में किसी की डेथ हो चुकी है, किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन डिस्टर्ब हो गई है, किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब है, किसी का जॉब छूट गया है, तो ये बेसलेस नहीं है। उनके पास रीज़न है जिसके कारण वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं और इसीलिए ये डिप्रेशन गंभीर भी है। दूसरी एक चीज़ देखी जा सकती है, समझने की चीज़ है कि आप चाहे जितने भी हेल्दी हो, आपको कभी डिप्रेशन ना हुआ हो, आप काफ़ी जॉली माइंड के इंसान हो, लेकिन आज ग्लोबल लेवल पे कोरोना के कारण एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि कई लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिंता में हैं। तो एक तरह से पूरे इन्वायरमेंट में, हवाओं में आप बहुत स्ट्रेस घुला हुआ है, हर जगह की खबरें यही हैं, तनाव की, दुख की बातें हैं। तो जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हो तो ये बहुत आसानी से आप इसकी गिरफ्त में आ सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी भी टेंशन ली, आप थोड़ी सी भी अपने आप को लूज करते हो, थोड़ा सा भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी परेशानी आ जाए, या किसी का सुन करके या न्यूज़ देख करके अगर आप डाउन हो गए, आप अगर 10% डाउन होते हो तो ये इन्वायरमेंट आपको 20% और कर देगा। तो समय ऐसा है कि आप अपने आप को छोड़ नहीं सकते, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये खुद को होल्ड करने का समय है। तो खुद को थोड़ा मजबूती से थामे रखें, बिल्कुल अपने आप को अलाउ ना करें कि आप दुखी हो, बैठ करके सोचें, जितना हो सके खुद को एक्टिव रखें। रियली ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप बाहर नहीं जा सकते, आपको घरों में ही रहना है, घर में ही एक्टिव रखना है। तो इसके रास्ते आप अपने अपने तरीके से निकालें। मैं आपको आज इस वीडियो में डिप्रेशन अगर आपको हो रहा है या आपका कोई अपना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो उसके लिए 3-step टेक्निक लेकर के आई हूँ। इस टेक्निक को फॉलो करें और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इसका फ़ायदा होगा ही होगा। इसे नए और पुराने पेशेंट दोनों कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखनी होगी कि जो पुराने पेशेंट हैं उनको तो खैर अभ्यस्त हो जाते हैं, वो समझें इस चीज़ को, और जो नए पेशेंट हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो किस तरह से गिरफ्त में चले जाएंगे, कितना उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये स्टेप फॉलो करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको डिप्रेशन नहीं है, हल्का हल्का आपका मूड स्विंग हो रहा है या फिर कुछ भी, तो आप 2 step करके रुक सकते हो। हालांकि 3rd step रिकमेंड किया जा रहा है, 3rd step भी करें तो आपको बेटर होगा, कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, चाहे नए चाहे पुराने, तो आप 3 step फॉलो करें। स्पेशली 3rd step अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो शुरू के 2 step भी आपको कंप्लीट नहीं करना है, और ये वार्निंग देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ 3-step टेक्निक की। 1st step है सावरिंग का। इसमें आपको नहाना है, आप 10 मिनट तक नहाएंगे, उसमें साफ सफाई की बात नहीं हो रही है, आपके सर के ऊपर पानी गिरने की प्रोसेस की बात हो रही है। आप चाहे नहाने में जो भी टाइम लेते हो, बट 10 मिनट तक आपके सर के ऊपर पानी गिरे, इसका आपको ध्यान रखना है। सावर हो तो बहुत बेस्ट होगा, 10 मिनट तक आप शांति से सावर के नीचे खड़े हो जाए, बैठना नहीं है, खड़े रहना है। खड़े होकर के आप सावर लें। अगर आपके पास सावर नहीं है तो आप मग से पानी लेकर धीरे धीरे अपने सर के ऊपर उड़ेलते रहें, 10 मिनट तक ऐसा करें। 10 मिनट के दौरान धीरे धीरे करके आपके विचार थोड़े शांत हो जाएंगे, आपको हो सकता है कि आप किसी खास एक विषय पे आकर रुक जाएं, ऐसा भी हो सकता है। 10 मिनट तक सांस लेने के बाद में आप 10 मिनट अगला स्टेप जो होगा 2nd step, उसमें 10 मिनट के लिए आप आग को देखेंगे। ये आग चूल्हे की नहीं हो सकती, गैस की नहीं हो सकती, इसमें लपटें होनी चाहिए। आप कागज़ जला सकते हैं, आप कोई छील के जला सकते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जला सकते हैं। 10 मिनट के आग की आप व्यवस्था करें जिसमें लपट उठनी चाहिए।
आप उस लपट को 10 मिनट तक देखें शांति से, उसमें आप बैठ सकते हैं आराम से रिलैक्स वे में बैठे और बैठ करके उस लपट को आप देखते जाएं। इस दौरान आपके शरीर पे कोई टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। आप थोड़े लूज कपड़ों में रहें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 10 मिनट सावर लेने के बाद सेकंड स्टेप में 10 मिनट का आपको लपटों को देखने के बाद थर्ड स्टेप आता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करें। इस स्टेप में आप 10 मिनट अपने आप को कम्प्लीटली एक्टिव करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज जैसा ये कुछ हो जाएगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स एक्सरसाइज नहीं है। आप जंप कर सकते हो, आप चिल्ला सकते हो, आप गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, कुछ भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नीचे के पैर के अंगूठे से लेके आपके सर तक आपके बॉडी का हर पार्ट मूव करे, उसमें एक्टिव रहे, वो उसमें हलचल चलती रहे। आप अगर मंत्र बोलते हैं उस दौरान तो मंत्र भी आप इस तेज़ी से बोलेंगे, अपने पूरे शरीर को झकझोरते हुए बोलेंगे कि ऐसा लगे आपका पूरा अस्तित्व हिल रहा हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। 10 मिनट तक इस क्रिया को करने के बाद आप आराम से उसी जगह पे पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल ध्यान रखें, पेट के बल आपकी नाभि धरती से सटी हुई होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। बेड पे नहीं लेटना है, उसी जगह पे फर्श के ऊपर आप लेट जाएं। आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको अच्छा लगे, आधे घंटे तक भी आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना जाएं, 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा ना जाएं। आप आराम से लेटे रहें, रिलैक्स रहें, अपने आप को एक बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह छोड़ दें। बहुत अच्छी टेक्निक है, 100% इसका रिजल्ट आता ही आता है। ये हम अपने पेशेंट पे भी यूज़ करते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ भी करवाया जाता है। घर पे रेकमेंड हम जल्दी तो नहीं करते क्योंकि कई लोग आधा करते हैं आधा छोड़ देते हैं, बट फिलहाल जो समय चल रहा है इसमें पॉसिबल नहीं है कि सबको घर पे कराया जाए, क्लिनिक में कराया जाए, तो उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप घर पे करें। इसलिए ये टेक्निक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई कि प्लीज़ जो लोग भी डिप्रेशन के शिकार हैं या आपका कोई अपना इसका शिकार हो रहा है तो उस तक ये वीडियो आप शेयर करें, और इस टाइम पे आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और ज़रूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन है तभी आप इसे करें, आप अगर नॉर्मल हैं, आप बस तनाव हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरह का मूड स्विंग आपको हो रहा है तो भी आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस ना करें, उसके साथ करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कोरोना के इस टाइम में खुद का ख्याल रख करके आप बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं कोरोना से लड़ने में। आप एक नया पेशेंट तैयार होने से बचें, अपने आप को पेशेंट बनाने से बचें, ये भी हेल्प होगी गवर्नमेंट को, ये भी हेल्प होगी हमारी सोसाइटी को। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, टेक्निक आपको काम की लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे और अपने आप को हेल्दी करेंगे और अपनों को भी हेल्दी करेंगे। फिर आती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।